इतिहास में साथियों ऐसा पहली बार हुआ है कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और भी किस चीज़ को लेकर, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जो कि किसने किया है, तो आपका CBSE और NCTE ने मिल के जो है 12 फरवरी आपको पता है 12 फरवरी को जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और किस वजह से करते हैं साथी, ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी मीटिंग होती है। ठीक, आपको बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर ये लोग एक नया रूल्स बना रहे हैं। आपका अभी तक क्या होता था, पेपर 2 तक ही होता था सीटेट, अब आपका एक चरण और बढ़ने वाला है और भी NAP 2020 की वजह से। ठीक है, तो इन तमाम सारे मुद्दे को लेकर हम एकदम जीरो से समझेंगे कि आखिर NAP 2020 क्या है, ठीक है, NCTE क्या है, तो ये सारे मुद्दे कैसे खुल के अब आए हैं और हमारे इन फ्यूचर में क्या होगा, कि इन सब का कैसा क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या बदलाव होने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस और क्या होने वाला क्या नहीं, तमाम सारी चीज़ों को हम इस एक वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए साथी, आपको बता दें जो 12 फरवरी को जो प्रपोजल जो एक प्रस्तावित होता है, उस आखिर वो कौन प्रस्तावित करता है, तो NCTE करता है। NCTE क्या होता है अगर पूछा जाए, तो NCTE क्या है, यह एक टीचिंग से रिलेटेड एक संस्था है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है NCTE, तो यह होती है आपके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो आखिर इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, देखिए इसका वर्क ये होता है, NCTE का वर्क ये होता है कि जो भी आपका गवर्नमेंट टीचर हो या फिर प्राइवेट टीचर हो, तो इसमें टीचर की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, टीचर की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक टीचर बनने के लिए क्या योग्यता क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं या NCTE की जो गाइडलाइन मतलब जारी करता है, तो NCTE जारी करता है, या कब आई थी, तो 1995 में बनकर तैयार हुई थी। तो ये इस हमने बात की है NCTE के बारे में। चलिए और पॉइंट समझते हैं। देखिए अगर बात की जाए RTE 2009 की, तो आप अगर RTE 2009 की धारा 23 में जाएंगे, तो वहाँ पे टेट को लेकर चीज़ें वर्णित की गई हैं, मतलब कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए जैसे अगर बात की जाए कि अगर किसी भी टीचर को, इसमें बात ये कही गई है कि अगर कोई किसी भी टीचर को गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो अगर आपको रखना है, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इन लोगों ने ये बोला कि हम एक रिटर्न एग्जामिनेशन कराने से पहले एक आपका टीचर का एक पात्रता परीक्षा लेंगे। ठीक है, तो बोले चलो ठीक है। तो क्या हुआ, इन लोगों ने जो RTE की तरफ से इन लोगों ने यह चीज़ जिम्मा किसको सौंपा, CBSE प्लस NCERT। ठीक है, देखिए अगर बात की जाए RTE 2009 की, तो अगर आप RTE 2009 के 23 एक्ट में जाएंगे, मतलब 23 धारा में जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें वर्णित हैं। क्या वर्णित हैं, जैसे कि आपको वर्णित वहाँ पे मिलेगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा वहाँ पे वर्णित है। ये लोग बोले कि जो है हम एक टीचर को रखने से पहले, एक रिटर्न एग्जामिनेशन देने से पहले हम एक और परीक्षा लेंगे, हम उसकी और भी गुणवत्ता जो है ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो बोले चलो ठीक है। तो यह जिम्मा आखिर किसको सौंपा गया, तो यह जिम्मा आपको CBSE प्लस NCTE को सौंपा गया कि आप जो है कुछ ऐसा कीजिए कि हम टीचर को रखने से पहले एक और उसकी परीक्षा ले पाएँ। ठीक है, तो इन लोगों ने 2011 में क्या किया, सीटेट का ऑर्गेनाइजेशन किया, मतलब सीटेट की परीक्षा को जो है कंडक्ट कराया। ठीक है, तो आपको बता दें इतिहास में अगर सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार कब हुआ, तो 2011 से चलता आ रहा है और लगातार कंटिन्यूसली अभी तक चलता ही आ रहा है। तो सीटेट हो गया उस टाइम पे। ठीक है, और सीटेट जो आपका डिवाइड था, ये 2 पार्ट में डिवाइड था। बोले फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आपका प्राइमरी आ गया, ठीक है, जिसे हम लोग 1-5 कहते हैं, और सेकंड पार्ट बोले तो आपका जो है अपर प्राइमरी आ गया। ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपका 6-8 हो गया। ठीक है, अपर प्राइमरी आपका। तो इन लोगों ने क्या किया उस टाइम पे, जो 8 क्लास तक ये सारी चीज़ें जो है डिफाइन कर दी गई थी, और बात की जाए अगर 9th से लेकर 12th तक, तो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो गई थी। ठीक है, तो ये हुआ कि अब जो ये चीज़ें निकल के आई कि आखिर 9th से लेकर 12th तक वो सारी चीज़ें अभी तक क्यों नहीं सोची गई थी। देखिए अभी तक क्या था, 9th से लेकर 12th तक जो है अभी तक कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना हुआ था, तो आखिर गुरु इसे क्यों छोड़ा गया। ठीक है, तो यह बात किस में कही, यह बात आपके NAP 2020 में कही गई, जो आपके RTE 2009 में वर्डित है। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें भी कही गई है। अगर NAP 2020 की बात की जाए साथी, तो जो है इसमें आपका 2020 में आया था, और इसको फुल फॉर्म है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसमें अगर आप बात कर ली जाए, अगर इसके आप चैप्टर 5 में जाएंगे और पेज नंबर 20 खोल के देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपका RTE 9 में जो बात कही गई ना, तो इसमें थोड़ा चीज़ों को मॉडरेट, ठीक है, जैसे कि मोबाइल कोई लॉन्च होता है तो उसमें से अल्ट्रा आ गया, ठीक, फिर आपका अल्ट्रा प्रो मैक्स आ गया, तो वही चीज़ें इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो
वही बदलाव आपका जो है आपका NEP 2020 है उसमें है, और इसमें जो है एक लेवल और ऊपर बात कही गई है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि आपका अभी तक क्लास 8 तक की हम लोग बात करते थे, अब इसमें हम लोग 12 तक की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब अप्लाई की जा रही है, ठीक है। अब इस पर जो है बैठक हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है कि अब ये चीज़ आपको आने वाले इन फ्यूचर में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम भी अब इसका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आपका अभी तक सीटेट में क्या होता था, आप दो पेपर देते थे, पेपर वन 5th तक होता था और पेपर 2 आपका 8th तक होता था, बट अब क्या होगा, आपका एक लेवल और बढ़ेगा 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो हैं बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं। जैसे साथियों फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि अगर एक शिक्षक बनना है, एक टीचर बनना है, तो उसके लिए आपका टेट या सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। देखिए टेट और सीटेट क्या होता है, तो टेट आपका वो होता है जैसे हम लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ये अपना अलग अलग राज्यों में जो है स्टेट है वो अपना अपना अलग राज्यों में करवाती है, ठीक है, साल में चाहे एक बार करवाए या दो बार करवाए। और सीटेट क्या होता है, सीटेट वो आपका सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक है। अगर आपने एक बार सेंट्रल लेवल वाला सीटेट क्वालिफाइड कर लिया, तब किसी भी राज्य में जो है कोई वैकेंसी आई तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका चाहे फिर 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 लेवल का हो। अब आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सेट और टेट और सीटेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपने अगर टेट क्वालिफाइड किया तो आप अदर स्टेट में फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वह खुद के राज्य का ही है। आप राज्य में जो वैकेंसी आएगी टीचर की, आप उसे ही फिल कर सकते हैं। और सीटेट क्या होता है, सीटेट आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, तो सेंट्रल लेवल का मतलब हो गया आपका ऑल इंडिया में किसी भी राज्य में, ठीक है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप बिल्कुल फॉर्म फिल करके कहीं भी किसी भी राज्य में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका सीटेट जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है 2011 से। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार सीटेट क्वालिफाइड कर लिया, तो आप अगर आपका टेट क्वालिफाइड नहीं भी ना किसी भी राज्य से आप लोग हैं, अगर आपका टेट क्वालिफाइड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है मेन फोकस सीटेट पे किया जाता है, जब भी कैंडिडेट्स जो है, जब भी विद्यार्थी आपका कोई भी कोर्स करता है, जैसे कि आपका बीएड हो गया, लाइक बीटीसी हो गया या डीएलएड हो गया, तो मेन फोकस आपका सीटेट पे होना चाहिए। और सीटेट क्या है, सीटेट का रूल ये है कि वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम, ठीक है। अब हम बात करने वाले थे जैसे कि टीचर का हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आपको यूपीएससी में जाना है, ठीक है, यूपीएससी क्या कराते हैं, वो सीसेट करवाती है, ठीक है, सीसेट क्वालिफाइड होना चाहिए उसके लिए। जैसे आपको लेखपाल वगैरह बनना है तो आपको पेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, ये अपना अलग राज्य में बना है। जैसे कि यूपी की बात कर ली जाए, तो आपका अगर आपका यूपी में कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपका पेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। वहाँ जो है आपका फिर उसका कट ऑफ लेके आप जो है फिर मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इस टाइप से जो कैटेगरीज जो है, एक इसको हम लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में मानते हैं, ठीक है। जैसे सीटेट में अभी तक क्या होता था, सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम है, हमारे संविधान की जो अगर आप 8वीं अनुसूची में जाएंगे तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, ठीक है, 22 लैंग्वेज का जो है वर्णन किया गया है। तो वही जो लैंग्वेज आपकी 22 हैं, वही सीटेट आपका फॉलो करता है, ठीक है। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 22 लैंग्वेज में होता है, ठीक है, जिसमें भोजपुरी शामिल नहीं है। अब इन फ्यूचर हो सकता है कि भोजपुरी भी शामिल हो जाए, ठीक है। तो तमाम सारे बदलाव आपको इन फ्यूचर देखने को मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और एक चीज़ और निकल के आ रही है, जो आपका टेट का एग्ज़ाम है, किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम है, वो आप अब आपका अभी तक 7 साल के लिए वैलिड होता था, अब जो है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड हो जाएगा। जैसे सीटेट है ना, सीटेट भी पहले 7 साल तक था, अब वह लाइफ टाइम हो गया पिछले साल से, तो वैसे ही अब आपका जो टेट एग्ज़ाम है वह अभी वैलिड हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब कुछ हम लोग बुलेट्स पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कि NCTE इन पार्टनरशिप विद CBSE ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि जो NCTE ने जो पार्टनरशिप किया था किसके साथ में, तो CBSE के साथ में, ठीक है। आपका 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब एक दिन के लिए हुआ था, और किस पे हुआ था आपका TET पे हुआ था, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर आपका ये चीज़ हुई थी। और इसमें बात की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आपको हमने बताया आपका चैप्टर 5 पेज नंबर 20 पे जो है आपका ये सारी चीज़ें वर्णित हैं, ठीक है। देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आखिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इन्होंने बताया है कि इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन, यह एक बहुत ही आवश्यक एग्जामिनेशन है, किसके लिए, तो फॉर इंडिविजुअल एस्पिरिंग टू बिकम
टू बिकम टीचर्स इन स्कूल, मतलब कि जो आपका टीचर है, जो आपका TET है, यह बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है किस वजह से आपको किसी भी स्कूल में टीचर बनने के लिए, ठीक है। देखिए आपको अगर किसी भी, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे TET या CTET की डिमांड की जाती है, ठीक है, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो एज अ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। तो आप कहीं भी जाते हैं आपको TET या CTET के आपका डिग्री क्वालिफाई, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो क्या होता है आपको एक प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बनी ही है इसलिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और आपको बात कर लें कि द फर्स्ट एवर, ये आपको बता दें कि ये ऐसा पहली बार आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, किसके लिए, तो सिंस द इंसेप्शन ऑफ TET, मतलब TET के लिए ऐसा पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है, ठीक है। और आपको बता दें ये आपका, और हाँ किस लेवल पे हुई, तो सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे डिस्कशन हुआ है। देखिए सेकेंडरी लेवल डिस्कशन क्या है, जैसे कि बात के लिए सेकेंडरी लेवल, तो आपका जो 9 से लेकर 12 तक है, अभी तक क्या होता था आपका, अगर CTET का सेकेंड पेपर क्वालिफाइड है तो वह 12 तक लगभग ऑलमोस्ट काम करता था, ठीक है, लगभग आपका 12 तक। अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो आप जो है 10th या 10th तक तो आराम से पढ़ा ही सकते हैं, ठीक है, अगर आपका जो है पेपर 2 क्वालिफाइड है, तो आप 6 से लेके उसको एज अ 10th क्लास तक मान लिया जाता था कि आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 11th 12th में पढ़ाएंगे तो आपके लिए PG डिग्री वहाँ पे मांगते हैं, ठीक है। PG डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, एक स्पेशल आपका सब्जेक्ट के साथ में, प्लस आपका BEd होना चाहिए। और अब क्या है साथियों, अब आपका जो है पेपर 3 भी क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ अभी देखिए, अभी तक नहीं था, बट आपका आने वाले समय से देखिए क्या होता है ना कि हर एक इंसान टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है, वैसे ही चेंज लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे ही जो है आपका चेंज NEP 2020 की वजह से ये चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव पे भी इसको लेके बात करेंगे। और आपका पॉइंट्स इसमें कहा गया है, और आपका पॉइंट्स देखिए इसमें जो है, एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पर्सन, ठीक है, ये तो चीज़ है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, देखिए आपका बहुत ही ज़्यादा इसका रोल है, किस चीज़ को लेकर है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, ठीक है, रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ टीचर। इसमें बात की गई कि जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आखिर क्यों होता है, तो हम जो है टीचर की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, कैपेबिलिटी को समझते हैं और उसकी इफ़िशियंसी को भी इसमें जांचा जाता है, ठीक है, उसके अंदर कितनी योग्यता है, ठीक है, कितनी उसके अंदर इफ़िशियंसी है, तो ये सारी चीज़ों को जो है समझा जाता है। ये चीज़ किसने कही थी, ये चीज़ जो है CBSE की जो श्रीमती निधि मैम है, उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, बहुत ही अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में कहीं ना कहीं एक बदलाव लाती हैं जो कि बहुत ही, देखिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, तो प्रॉफिट की बात करते हैं, तो देखिए इसमें जो कहा गया प्रॉफिट क्या है, तो इसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता बढ़ेगी, ठीक है, टीचिंग की जो है वह गुणवत्ता बढ़ेगी। और एक चीज़ आपको बता दें साथी, जैसे कि हर एक स्टेट अपना TET करवाती है, जैसे राजस्थान में जो TET होता है उसको हम लोग रीट कहते हैं, UP में जो TET होता है उसे हम लोग UP TET के नाम से जानते हैं, ठीक है, हरियाणा में होता है हम लोग STET के नाम से जानते हैं। वैसे ही साथियों ये सारे TET जो आपके बने हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपने CTET क्वालिफाइड किया तो आप जो है अदर स्टेट में भी जो है वहाँ की जो वैकेंसी आती है वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और, इसका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जैसे कि अभी हाल ही में जो बिहार राज्य है अपना, ठीक है, बिहार राज्य में क्या हुआ, ये लोग अपना अलग से करवाते हैं 9 से लेकर 12 तक का जो का TET, ठीक है, जिसे इन लोगों ने STET नाम दिया, ठीक है। इन लोगों ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, आपका पेपर 1 मतलब जो 9th और 10th हो गया, और आपका 11th 12th को ये लोग पेपर 2 के नाम से जो है डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। इन लोगों ने जो है अपना अलग से नियम बना रखा है, राज्य अपना नियम बना सकती है, ठीक है, ये हमारा अनुसूची में आता है, ये राज्य चाहे तो अपना जो है रूल्स बना सकती है। वही चीज़ अब रूल्स आपका देखिए बन के जो है तैयार हो गया है, आपका NEP 2020 में दिया था, वही चीज़ आपका जो है लागू होने वाला। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, देखिए अगर अभी तक आपने जो है बिहार का पेपर 1 या पेपर 2 STET में नहीं दिया है, बट आपने CTET का जो आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है आने वाला जो अभी ये कंडक्ट होगा आपका, हो सकता है आपका जुलाई अगस्त से लागू हो जाए या फिर जनवरी से लागू हो जाएगा, ठीक है, जनवरी से तो डन है, जुलाई अगस्त में अभी में भी पॉसिबिलिटी है,
होता है या नहीं होता ये तो आने वाला टाइम बताएगा, बीच में चुनाव भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ये चीज़ क्वालिफाइड कर ली, ठीक है, सीटेट का जो आपका पेपर थर्ड होगा ना, 9 से लेकर 12th तक पूरा काम करने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपने अगर ये क्वालिफाइड कर लिया, फिर अगर आपने बिहार का पेपर जो आपका एस्टेट है पेपर 1 या 2 ये क्वालिफाइड नहीं भी किया ना, मतलब एग्ज़ाम कभी नहीं दिया, क्वालिफाइड नहीं किया आपने, तो अगर आपके पास ये है तो आप वहाँ पर ये चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो बिहार, देखिए बिहार ने ये सारी चीज़ें पहले से ही माइंड सेटअप कर लेती है, ठीक है, और वही चीज़ देखिए अब सेंट्रल जो है ये चीज़ अब ला रही है, तो कहीं ना कहीं इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, और बात कर लें देखिए इसमें लॉस क्या है, तो कहीं ना कहीं जो अभी तक TGT और PGT के जो टीचर बनते थे, तो अभी तक क्या होता था कि इनके पास अगर टेट या सीटेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो क्या होता था कि इनके पास बीएड है, ठीक है, बीएड है, और इनके पास में बीएड अगर है और ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर आपका अगर आप PGT के टीचर बन रहे हैं तो आपने MA वगैरह कर रखा है, मतलब आपके पास मास्टरी डिग्री है, तो आप क्या करते थे, सीटेट नहीं भी क्वालिफाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें मांगते ही नहीं थे ना, तो इस वजह से क्या होता था साथियों, इन लोगों के लिए प्रॉफिट हो जाता था। बट अब क्या, अब जो है आपका नियम चेंज हो गया, तो आपको जो है सीटेट क्वालिफाइड करना मोस्ट हो जाएगा। और आपको बता दें साथियों कि इस टाइम पे भी जो टीचर बने हुए ना TGT या PGT के, इनको भी आने वाले टाइम में टाइम दिया जाएगा कि 3 से 4 साल में आपको भी ये आपका सीटेट का पेपर थर्ड क्वालिफाइड ही करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बिहार राज्य में यही हुआ, आप भले 15 साल से टीचर हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आपको जो है ये क्वालिफाइड, ये आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये क्वालिफाइड करनी पड़ेगी, तभी हम आपको गवर्नमेंट टीचर बना पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी यूपी में भी चल रहा था ये सारी चीज़ें, ठीक है, यूपी में भी सारी चीज़ें चल रही थी, और इन लोगों को क्या हुआ कि आपको टेट क्वालिफाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। आप एज ए गवर्नमेंट आप जॉब करते रहिए, जैसे कि आपका शिक्षा मित्र के साथ में यही तो हुआ था, आप जिन लोगों ने टेट क्वालिफाइड किया था उन लोगों को जो है फिर आपका गवर्नमेंट बना रहे थे, तो वो वही सारी चीज़ें आपके TGT PGT में भी लागू होंगी, बट अभी लागू नहीं होंगी, आने वाले इन फ्यूचर 3 से 4 साल बाद आपको ये सारी चीज़ें फिर से कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली हैं। और आपको बता दें साथी, ये जो बात हम कर रहे हैं सारी चीज़ें हम आंकड़ों पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आंकड़ों पे हैं। और आपको बता दें इसमें फिर क्या होगा, आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्या होगा, क्या एग्ज़ाम टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे अभी 2.5 घंटे का होता है फिर 3 घंटा मिलेगा, या क्या चीज़ होगी। तो देखिए अभी ये सारी चीज़ें, अभी क्या हुआ, अभी तो चीज़ों की शुरुआत हुई है, ठीक, अभी सिर्फ बैठक हुई है साथी, और इसमें भी अभी टाइम लगेगा सारी चीज़ों को ज़मीन पर उतारने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, अभी तो ये सारी चीज़ें बस बातें हो रही है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आने वाले इन फ्यूचर में ये सारी चीज़ें लागू अप्लाईमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी से आपको तैयार रहना ये सारी चीज़ों को लेके। और देखिए पैटर्न और सिलेबस की बात रही ना, तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपका सिलेबस भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, पैटर्न बिल्कुल चेंज होने वाला है कहीं ना कहीं, और हो सकता है पॉजिटिव या आपके आपका हो सकता है कहीं ये लोग निगेटिव मार्किंग या पॉजिटिव या निगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह लास्ट अटैम्प्ट है CBSE का, ठीक है, आपका लास्ट अटैम्प्ट है आपका, और इसके बाद NTA करवाएगी, ठीक है, जुलाई अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वह NTA करवाएगी, और ये CBSE जो है अब नहीं करवाएगी एग्ज़ाम, तो NTA करवाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर तो बहुत भी ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। पेपर 1 को लेके हो जाए या पेपर 2 को लेके हो जाए या फिर पेपर 3, तो आपका फर्स्ट टाइम हो ही रहा है, तो वो तो आपका एक अलग अंदाज में होगा ही होगा, ठीक। तो आपको अभी से सारी चीज़ें लेके चलना है, क्योंकि आपको पता है जो आपका 9 से 12 तक होगा वो एज अ एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके एग्जाम मेन होने वाला है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं उसके साथ में पेडागोजी भी लगाते हैं या फिर मैथ या क्या करते हैं, क्योंकि एक सीटेट का एग्जाम है तो हो सकता है 4 से 5 सब्जेक्ट सब दे दें, ठीक है, या फिर ये लोग सिंगल, जैसे बिहार राज्य में क्या एक सिंगल एज ए सब्जेक्ट आपका होता है एस्टेट, ठीक है, तो ये लोग अपना क्या नियम बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा अलग ही रूल रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये चीज़ अभी जो है इन लोगों ने डिसाइड नहीं की है, बस इस पर चर्चा स्टार्ट हो गई है, ठीक, इस पर लेके जो है बातचीत चल रही है, और ये कहीं ना कहीं आपको जो है आने वाले इन फ्यूचर में बहुत जल्द इसकी सूचना भी मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइएगा, जैसे जो अपडेट होती वो तो आपको फिर दे ही देंगे। और इन द लास्ट में हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, सरकार ने जो भी नए रूल्स बनाए हैं, एक से एक नए रूल देखने को मिल रहे हैं आने वाले टाइम में, तो बढ़िया है, ठीक है, सब सारी चीज़ें ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो एज अ स्टूडेंट भी बोर हो गया था वही सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के, तो अब जो एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी,
तो आपको बताते जाती ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ा सोच लेती कि जो आप हर साल 2 बार एग्ज़ाम करवाते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा लेते हैं बच्चे की, तो न जाने कितने लाखों लाख स्टूडेंट जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई किए हुए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है भाई, वैकेंसी नहीं आ रही, इस वजह से कहीं ना कहीं वो लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे MVS हो गया, KVS हो गया, हर साल ये लोग भी अगर वैकेंसी निकालें, ठीक है, हर स्टेट अपने हर एक स्टेट जो है थोड़ा इस चीज़ को समझ के और हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी निकालते रहे, जैसे कि बिहार राज्य इस मामले में बहुत ही आगे है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे यूपी को लेके अगर बात की जाए तो 5 से 6 साल हो गए कोई वैकेंसी नहीं आई, और बेचारे इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे ये है कि धरना करना पड़ रहा है, ठीक है, धरना लोग दे रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कहा जा रहा है कि शिक्षक छात्र का अनुपात आपका बराबर है, ठीक है, तो ये ना कहीं भाई 5 6 साल हो गए आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, और आपने दिखाया कि हमारा पंजीकरण जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, मतलब कि छात्र का जो एडमिशन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो छात्र के एडमिशन बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन क्या टीचर आप बढ़ा रहे हैं? तो टीचर तो आप बढ़ा नहीं रहे 5 6 साल से, है ना, तो इस चीज़ को मतलब ये सारा मुद्दा है कहीं ना कहीं, और हर स्टेट का यही कहीं ना कहीं रोना लगा हुआ है। तो मेरा बस मेन यही मतलब है कि अगर आपने, जैसे कि लाखों लाख छात्र हर साल सीटेट एग्ज़ाम पास करते हैं, तो आपको कुछ वैकेंसीज तो निकालनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट का जो है छात्र परीक्षा ले लेने से, ऐसे छोड़ देने से मतलब नहीं रहता है, आप वैकेंसीज निकालिए, फिर आप उसका जो देखिए कि उसके अंदर जो है टैलेंट कितना है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ रहती है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आज का यही था, और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिए एंड मुझे भी इजाज़त दीजिए, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।